सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एएटीएस टीम ने एक ऐसे खतरनाक बदमाश को दबोचा है जो बचपन से ही आपराधिक गतिविधियों से जुड़ गया था और जिसने मोंटी गैंग से जुड़कर कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन मोंटी की हत्या के बाद वो शार्प शूटर के तौर पर नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग में शामिल हो गया। नीरज ने मोंटी की हत्या का बदला लिया और जेल जाना पड़ा। जमानत पर बाहर आने के बाद गैंगस्टरों के संपर्क में रहकर पुल प्रहलादपुर इलाके में पुलिस से छुपकर रह रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पर टशनबाजी के वीडियो बनाकर पोस्ट करने के शौक की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शार्प शूटर की पहचान 32 वर्षीय पुल प्रहलादपुर निवासी नीरज के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पांडे का ऑपरेशन संरक्षण के तहत अपने इलाके में हथियार रखने वाले एक्टिव क्रिमिनलों को ट्रैक करके दबोचने का काम मनोज सिन्हा एसीपी ऑपरेशंस की सुपरविजन व राजेंद्र सिंह डागर इंस्पेक्टर एएटीएस दक्षिण पूर्व जिला के नेतृत्व में एएसआई राम कुमार, एएसआई राजीव कुमार, रूप सिंह, विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल श्रवण, परवीन कांस्टेबल देवनाथ, मनोज, मोहित और अमित की एक टीम को सौंपा। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पांडे का ऑपरेशन संरक्षण के तहत अपने जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएगा। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टास्क मिलते ही टीम ने इलाके में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। टीम को एक मुखबिर ने बताया कि नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग से जुड़ा एक नीरज नाम का शार्प शूटर, जो कि अपने साथ अवैध हथियार भी रखता है, पुल प्रहलादपुर इलाके में कहीं छुपकर रह रहा है। किंतु मुखबिर के पास न तो शार्प शूटर का कोई मोबाइल नंबर था, न ही यह पता था कि पुल प्रहलादपुर में किस एड्रेस पर रह रहा है। लेकिन मुखबिर इस बात के लिए जरूर श्योर था कि शार्प शूटर पुल प्रहलादपुर में ही कहीं रह रहा है। पुल प्रहलादपुर बहुत बड़ा इलाका है, उसमें से एक नीरज नाम के व्यक्ति को खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन टीम पीछे नहीं हटी और मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लेकिन मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद भी टीम के हाथ कुछ न लगा। अब शार्प शूटर को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने दूसरा रास्ता अपनाया। टीम अब खबरियों की दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। शार्प शूटर को दबोचने के लिए इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने पुराना तरीके, जैसे जिनके पास हथियारों के लाइसेंस है उनके नामों की जांच करना, किराएदार का वेरिफिकेशन और आने वाले नए लोगों की जांच करना। टीम ने पुल प्रहलादपुर इलाके में किराएदार वेरिफिकेशन व हथियारों के लाइसेंस के बहाने घर घर जाकर जाँच की, लेकिन टीम की बदनसीबी उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरोपी तक पहुँचने का हर तरीका उनका नाकाम हो रहा था। टीम को जांच के दौरान पुल प्रहलादपुर इलाके में सैकड़ों नीरज नाम के लोग मिले, उनमें से शार्प शूटर कौन सा है यह अब भी सवाल बनकर खड़ा था। आरोपी को दबोचने के लिए टीम को कुछ अलग से हटकर सोचना पड़ा। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर को पता चला कि नीरज को सोशल मीडिया पर ट्यूशनबाजी के वीडियो बनाने का भी शौक है। टीम ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नीरज को सर्च करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर हजारों प्रोफाइल जांचने पर आखिरकार टीम को नीरज का प्रोफाइल मिल ही गया। टीम को सोशल मीडिया से आरोपी का मोबाइल नंबर भी मिल गया। टीम ने तुरंत आरोपी का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिया। मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन पुल प्रहलादपुर इलाके की मिली। जांच में टीम ने पाया कि आरोपी का मोबाइल पूरे दिन बंद रहता था, लेकिन रात होने पर चालू होता था। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने आरोपी को दबोचने के लिए पुल प्रहलादपुर इलाके में जाल बिछा दिया। मोबाइल सर्विलांस से टीम को पता चला कि आरोपी दिनांक 29 मई को चोरी की मोटरसाइकिल से रात 10 बजे के आसपास बदरपुर से मदनगीर अपने दोस्त से मिलने जाएगा। टीम ने लाल कुआ बस स्टैंड महरौली बदरपुर रोड के पास जाल बिछाया। रात लगभग 11:50 पर बदरपुर की ओर से एक व्यक्ति को आते देखा गया। पुलिस टीम को देखकर बदमाश ने पहले बाइक रोकी, फिर यूटर्न लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने दौड़कर आरोपी को बाइक से गिराकर दबोच लिया। तलाशी लेने पर बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस व एक चोरी की मोटरसाइकिल मिली। पूछताछ करने पर बदमाश की पहचान पुल प्रहलादपुर निवासी 32 वर्षीय नीरज पुत्र रामकिशन के रूप में हुई। पूछताछ में बदमाश ने बताया कि उसने 12वीं तक पढ़ाई की है और बचपन से ही आपराधिक वारदातों को अंजाम देता आ रहा है। शुरू में इसने मोंटी गैंग के साथ जुड़कर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। क्राइम की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाने के लिए गैंग लीडर मोंटी की ही हत्या का बदला लिया। जेल में इसकी मुलाकात गैंगस्टर नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग से जुड़े बदमाशों से हुई।
क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम बनाने के लिए मोंटी की हत्या के बाद वो शार्प शूटर के तौर पर नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग में शामिल हो गया। आरोपी ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद भी वो गैंगस्टर नीरज बवानिया और नवीन बाली गैंग के संपर्क में था। आरोपी ने आगे बताया कि वो पूरे दिन सोता था और रात में वारदात के इरादे से इलाके में निकलता था। यह हत्या और हत्या के प्रयास के दो मामलों में भी शामिल पाया गया है। विजय न्यूज ग्रुप नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम, सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।